हेलो दोस्तों, मैं हूँ शिवा बसीन और आप देख रहे हैं डिजिटल बड़ी इंडिया। आज का हमारा टॉपिक है कस्टम ऑडियंस। कस्टम ऑडियंस बनाएंगे जिन्होंने विजिट किया हमारी वेबसाइट पे, उनके लिए हमें ऑडियंस क्रिएट करेंगे आज। चलो फिर शुरू करते हैं प्रैक्टिकली बनाना। सबसे पहले आपको ओपन करना है अपना business.facebook.com, अपना बिजनेस मैनेजर। आप जैसे टाइप करेंगे ब्राउजर में business.facebook.com तो आपका ऐसे कुछ ओपन हो जाएगा। यहाँ से हम सेलेक्ट करेंगे अपना बिजनेस अकाउंट। मान लेते हैं हमारा बिजनेस अकाउंट ये है sbachelor.com, हमने इसको सेलेक्ट किया, ओपन हो रहा है। थोड़ा नेटवर्क स्लो है। कस्टम ऑडियंस आपको नहीं पता कि क्या होती है तो हमारी डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, उस वीडियो को वॉच कीजिए और देखिए कस्टम ऑडियंस क्या होती है और हम किन के लिए कस्टम ऑडियंस बनाते हैं। छोटी सी वीडियो है, 2-2.5 मिनट की, आप देख सकते हैं उसको। ठीक है जी, हमारा अकाउंट सेलेक्ट हो गया। यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है क्रिएट ऑडियंस का। अब इस पर हम जैसे ही क्लिक करेंगे ड्रॉप डाउन के अंदर ऑप्शंस आएंगे, कस्टम ऑडियंस, लुक अलाइक ऑडियंस, सेव्ड ऑडियंस, स्पेशल ऑडियंस। ठीक है जी, हमको क्लिक करना है कस्टम ऑडियंस पे। हमने क्लिक किया कस्टम ऑडियंस पे। अब यहाँ पे फेसबुक पूछ रहा है सोर्स क्या यूज करना है आपको कस्टम ऑडियंस के लिए, क्योंकि कस्टम ऑडियंस वो उन्हीं के बनाता है जिन्होंने इंटरेक्ट किया होता है हमारे बिजनेस के साथ। मान लेते हैं हमें वेबसाइट पे जो विजिट हुई है हमारी वेबसाइट पे, विजिटर्स हैं इतने भी, उनकी हमें कस्टम ऑडियंस बनानी है और उनको हम रिटारगेट करना चाहते हैं क्योंकि उनको इंटरेस्ट होगा हमारी वेबसाइट में जब भी वो वेबसाइट पे लैंड हुए हैं। हमने सेलेक्ट किया इसको वेबसाइट को और यहाँ से करेंगे नेक्स्ट। ये ऑटोमेटिकली सोर्स आ जाएगा, यहाँ पे आपका पिक्सल आ जाएगा, जितने भी आपके लाइव पिक्सल होंगे इस अकाउंट में वो आपके शो हो जाएंगे यहाँ पे। आपको अपना, हमारा एक ही पिक्सल है इसलिए हमारा एक ही शो हो रहा है। यहाँ से आपको अपना पिक्सल सेलेक्ट करना है। हम ऑल विजिटर के लिए बना रहे हैं आज, सिर्फ ऑल विजिटर्स को हमने सेलेक्ट किया। जैसे हम स्पेसिफिक पेज के लिए भी बना सकते हैं, बाई टाइम भी बना सकते हैं, किसी ने हमारी वेबसाइट पर टाइम स्पेंड किया इतना, उसके लिए भी बना सकते हैं। वो आने वाली वीडियो में हम सीखेंगे कैसे बनाते हैं। आज हम बनाएंगे टोटल विजिटर्स हैं जो 30 डेज के अंदर, जिन्होंने 30 डेज के अंदर विजिट किया हमारी वेबसाइट पे। इसको हम मैक्सिमम 180 डेज कर सकते हैं, मतलब 180 दिनों तक किसी ने हमारी वेबसाइट पे विजिट किया और उसको हम टारगेट करना चाहते हैं तो इस तरीके से कर सकते हैं। हमने मैक्सिमम डेज ही ले लेते हैं, 180 डेज। ठीक है जी, यहाँ पे हमें ऑडियंस का नाम देना है, पीपल हु विजिटेड आवर साइट विद इन 180 डेज। हमने ऑडियंस का नाम दे दिया। हमने देखो चार काम करने हैं सिर्फ, यहाँ पे सोर्स को सिलेक्ट करना है, इवेंट को सिलेक्ट करना है, यहाँ से यहाँ पे डेज सेलेक्ट करने हैं कितनी डेज की ऑडियंस चाहिए हमें, और चौथा काम करना है हमें ऑडियंस का नाम, और यहाँ से करना है क्लिक क्रिएट ऑडियंस। और जैसे हम क्लिक करेंगे हमारी ऑडियंस रेडी हो जाएगी। यहाँ से करेंगे डन, कुछ टाइम बाद ये शो होनी स्टार्ट हो जाएगी, हमारी पॉपअप हो रही है अभी ऑडियंस। ठीक है जी, इस तरीके से हम कस्टम ऑडियंस बनाते हैं विजिटर्स के लिए। नेक्स्ट वीडियो हम सीखेंगे स्पेसिफिक पेज के लिए, जैसे कार्ट पेज के लिए, चेकआउट पेज के लिए हम ऑडियंस कैसे बनाते हैं। आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।